नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजबाला व्लॉग्स चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन चावल। ये हमने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच घी और चावल हमने पहले बना के रख लिए हैं। घी हमारा मेल्ट हो रहा, उसके अंदर डाल देंगे हम जीरा, एक बड़ी इलायची, दो तीन लौंग, एक तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। इसके अंदर डाल देंगे हम बारीक कटे हुए तीन प्याज, क्योंकि बच्चों को प्याज ज्यादा पसंद है। इनको अच्छे से भून लेंगे। ये प्याज हमारे भून चुके हैं और इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटे हुए 10-15 बीन्स के छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कटे हुए टुकड़े और आधा कप है मटर के दाने। इन सभी को पका लेंगे अच्छे से। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। ये देखिए हमारे हल्के हल्के पक चुके हैं। इसके अंदर डाल देंगे हम 2 बारीक कटे हुए टमाटर। इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। इसको भी 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से भुन चुके हैं। इसके अंदर डाल देंगे हम मसाला। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इनको अच्छे से मिला लीजिए। पहले हल्दी पक जाएगी तब तक। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इनको अच्छे से मिला लीजिए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसके अंदर डाल देंगे जो हमने चावल पकाए थे वो। चावल हमने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के पका लेते हैं। 1 नींबू निचोड़ के उसका रस डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, वो आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। ले लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कई बार रात के चावल बच जाते हैं तो आप उनको भी ऐसे ही नमकीन चावल बना सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं नमकीन चावल। इनको 2 मिनट के लिए ढक के फिर पका देते हैं। नमकीन चावल हमारे बनके तैयार हैं और एक बार इसको फिर मिक्स कर दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। अब नमकीन चावल को हम सर्व कर देते हैं। नमकीन चावल हमने सर्व कर दिए हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।